Hey everyone, if you are new to the channel, please subscribe and hit the bell icon. The return. अंत में मार्केट में सब चीज एक चीज पे आकर रुक जाता है, जनरेटिंग ए रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, राइट? कि एक अच्छा रिटर्न हमें मिले जो भी इन्वेस्टमेंट हमने किए। अगर आपका ट्रेड एक अच्छा रिटर्न देता है तो आपके जितने पुराने गलती है मार्केट में वो माफ हो जाते हैं। और असल में यही चीज मैटर करता है। रिटर्न ज्यादातर हम मेजर करते हैं सालाना बेसिस पे। बहुत तरह के रिटर्न है जिसे आपको जानकारी रखनी चाहिए, हम लोग क्विकली इसे देखेंगे। एब्सोल्यूट रिटर्न, यह रिटर्न जो भी आपने ट्रेड किया और इन्वेस्टमेंट किया उससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे इस पे। मैंने इन्फोसिस का शेयर 3030 में खरीदा और बेच दिया 3550 में। अब मैंने कितना परसेंट रिटर्न जनरेट किया, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। एंडिंग पीरियड वैल्यू डिवाइड बाई स्टार्टिंग पीरियड वैल्यू माइनस 1 × 100, दैट इज 3550 डिवाइड बाई 3030 माइनस 1 × 100, दैट इज 0.1716 × 100, दैट इज नथिंग बट 17.16%। ये रिटर्न थोड़ा सा भी खराब नहीं है। द CAGR एब्सोल्यूट रिटर्न गलत हो सकता है अगर आप दो इन्वेस्टमेंट कंपेयर करेंगे तो। इस जगह पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR काम करता है। इस पे भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे। मैंने इन्फोसिस का शेयर खरीदा मान लीजिए 3030 और उसे होल्ड किया 2 साल के लिए और उसे बेच दिया 3550, क्या रिटर्न मैंने जनरेट किया था? एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करते वक्त हम लोग टाइम को इग्नोर करते हैं, CAGR में टाइम कंसिडर करते हैं। CAGR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, CAGR इक्वल टू एंडिंग वैल्यू डिवाइड बाई बिगनिंग वैल्यू होल पावर 1 डिवाइड बाई नंबर्स ऑफ ईयर्स माइनस 1 × 100। अब यहां पे देखें 3550 डिवाइड बाई 3030 होल पावर 1/2, 2 इज नथिंग बट नंबर्स ऑफ ईयर्स माइनस 1 × 100, दैट इज 8.2%। इसका मतलब यह हुआ इन्वेस्टमेंट 8.2% के रेट से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ 2 सालों में। 8.2% रिटर्न अच्छा नहीं है क्योंकि फिक्स डिपॉजिट से हमें अराउंड 7% का रिटर्न मिल जाता है और हमारा कैपिटल भी सेफ रहता है, लेकिन यहाँ 8.2% रिटर्न और कैपिटल सेफ होने का कोई गारंटी नहीं है। सो आई थिंक दिस इज अनअट्रैक्टिव, राइट? CAGR यूज कीजिए जब आपको रिटर्न चेक करना है कई सालों का। अगर टाइम फ्रेम 1 साल और उससे कम है तो आप एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट कीजिए। क्या होगा रिटर्न अगर आप इन्फोसिस का सेल्स खरीदे 3030 में एंड बेचा 3550 में 6 महीने के अंदर। इस केस में आपने जनरेट किया 17.60% रिटर्न इन 6 मंथ, तो ईयरली आपने जनरेट किया 17.60 × 2, दैट इज नथिंग बट 34.32%। पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर आपको रिटर्न कंपेयर करना है तो सालाना बेसिस पे आप कितना रिटर्न बना रहे हैं ये बेस्ट तरीका होता है रिटर्न देखने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।